Assalamu alaikum, main hu Tanveer Nandla and finally the wait is over. I'm back with SEO blogging and affiliate marketing training batch 5. So everything is new, everything is updated and everything is enhanced. Hamara curriculum badal chuka hai, hamara content badal chuka hai, hamare support levels badal chuke hain. और इतना कुछ सक्सेस होने के बावजूद वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सेल्स, लिहाजा हमने अपने सक्सेस रेट को 100% पर ले जाने के लिए बहुत कुछ बदल दिया है. सो कंटेंट इज़ अपडेटेड, आप देख सकते हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में कंटेंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी. सक्सेस स्टोरीज चंद एक आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे और कुछ हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरीज उनके इंटरव्यूज दिखाना चाहेंगे. और इसके बाद बात आती है सपोर्ट की और बात आती है रिजल्ट्स की. सो रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैं, बट इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक मेंटेन करने के लिए हमने इसमें मज़ीद चेंजेस की हैं. क्या आप एसईओ सीखना चाहते हैं? क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपको कंटेंट मार्केटिंग आती है? क्या आप कंटेंट राइटिंग लर्न करना चाहते हैं? क्या आप ज़माने के साथ बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना चाहते हैं? क्या आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता है? क्या आप ए टू जी फ्रॉम लेवल 1 to level 100 जाना चाहते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि वेट ओवर हो चुका है और नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है. उसमें क्या कुछ बदल चुका है, क्या कुछ बदल रहा है, वो मैं भी आपसे शेयर करूँगा. कैसे आप? मैं तो यही था. और आप कुछ बात कर रहे थे अपने कोर्स की, उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये कोर्स जो है वो आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में कुछ बता दें आप. स्केड्यूल हमारी पोस्ट के अंदर अपडेट होगा तो वहाँ से देख सकते हैं कि कब स्टार्ट होगा. आपका कोर्स लॉन्च हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, हर बंदे का क्वेश्चन कि ये कैसे लोगों के लिए हैं, कौन लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उन कैसे जो है वो अपनी इनकम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं. ये उन तमाम लोगों के लिए है जो भी इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कम से कम राइट कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है. उनका जो कंटेंट राइटिंग का सिलसिला होगा, जो खर्चा होगा वो बच जाएगा. सो एनीवन कैन जॉइन दिस. सही है. और ये न्यू बैच जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? स्केड्यूल हम अपनी पोस्ट के अंदर अपडेट कर देंगे तो आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं कि लास्ट डेट कब है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ओरिएंटेशन किस दिन होगी और ये कितनी ड्यूरेशन का है. अच्छा, आप तो रेगुलर कोर्स करवाते हैं और आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ होती है हर दफ़ा, तो इसमें नए कोर्स में क्या कुछ न्यू होता है या वही रेप्लिकेट कर रहे होते हैं हर दफ़ा? एक्चुअली अब तक के जितने बैचेज हो चुके हैं उन तमाम का जो कॉन्टेंट था वो ऑलमोस्ट सेम था. सो हमारे पास इतना डेटा आ चुका है कि हमने बहुत कुछ लर्न किया है उससे. हम मज़ीद इम्प्रूव कर चुके हैं, हम मज़ीद अपडेट कर चुके हैं. वो तमाम जो पहले था उससे बहुत बेहतर शक्ल में हम अब आ चुके हैं. तो अब ये कहना कि पिछला वाला कंटेंट होगा तो नहीं, बहुत कुछ अपडेट है, कंटेंट अपडेट है, स्टाइल अपडेट है, आउटलाइन अपडेट है, एवरीथिंग इज चेंज्ड. अच्छा, आपने बताया तो है कि चेंज हो गई है और IT हर गुजरते टाइम के साथ अपडेट हो रही है, तो आपको भी चेंज करना चाहिए, जो कि उन्होंने बताया है कि ऑलरेडी वो चेंज कर रहे हैं. अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आप ही को क्यों सिलेक्ट करें वो ट्रेनिंग के लिए, इसका आंसर ज़रूर दें. सबसे बड़ी बात, आई हैव रिसेंटली वन नंबर 1 ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान अवार्ड. अच्छा, तो अगर ये भी आपको मुतमईन नहीं करती तो मेरे ख्याल में और कोई बात रह नहीं जाती मुतमईन करने में. सो मेन पर्पज़, जो मेन मकसद है वो ये है कि लाइव चेंज हों. डेफिनेटली वी चार्ज फॉर दैट और हम कोई किसी पर एहसान नहीं करते, लेकिन क्वालिटी आपको कंटेंट मिलता है, क्वालिटी सपोर्ट मिलती है, एवरीथिंग क्वालिटी होती है. व्हाई मी, नंबर 1 ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान, बेस्ट ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली अवार्ड जीता है. उसके अलावा मेरा 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अब ब्लॉगिंग का, SEO का. सो उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता एक्सपीरियंस का. इसके बाद दर्जनों सैकड़ों वेबसाइट्स प्रैक्टिकली अपने हाथ से रैंक की हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है. इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज़ आप लोग देखते होंगे, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अब पब्लिश हो चुकी हैं,
जिसके अंदर बहुत सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र हो चुका है. अपने मुँह अचीवमेंट्स का जिक्र करना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आई थिंक वी आर द बेस्ट. और उसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो हमारे रिजल्ट्स हैं. मेरी अपनी अचीवमेंट से ज़्यादा जो हमारे रिजल्ट्स हैं प्रीवियस मैचेस के, वो सबसे बड़ा सबूत है. जितनी परसेंटेज में लोग सक्सेसफुल होते हैं, अर्न करते हैं, वो सबसे बड़ा वजह है कि मुझे ज्वाइन किया जाए. रिजल्ट्स की आपने बात की और एक लंबी चौड़ी लिस्ट अचीवमेंट की भी साथ आपने बता दी है, जिससे बहुत ज़्यादा आप अभी तो बहुत सारी लिस्ट मैंने नहीं बताई बहुत सारी नहीं बताई, पर आप आईटी प्रोफेशनल हूँ, ग्रेजुएट इसी फील्ड में हूँ, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ज़्यादा है, इतने लोगों की लाइफ अलहमदिल्ला चेंज कर चुकी हैं प्रैक्टिकली एंड सो ऑन. सही है. अच्छा, ज़बरदस्त आपने एक पैकेज बनाया हुआ है. और दूसरा ये बताएं कि पिछले बैच में भी आपके पास कोई डिजर्विंग के लिए एक स्पेशल कोटा था, क्या इस बैच में भी डिजर्विंग लोगों के लिए कुछ कोटा आपने रखा है? अच्छा, बहुत सारे ये लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग चार्ज करते हैं तो जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए क्या. तो यस, हम समझ लें कि हमारे पास ऑलमोस्ट, शायद मुझे पब्लिकली ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको भी स्क्रूटनी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं उन लोगों के लिए जो ज़कात के डिज़र्विंग. रिमेंबर, ज़कात के डिज़र्विंग. अगर आप ज़कात डिज़र्व करते हैं और आप इन तमाम प्री रिक्वेस्ट पे पूरा उतरते हैं कि आप इसको ज्वाइन करने के काबिल हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. और आपके और हमारे पेड मेंबर्स के दरमियान किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होगा. सो ओनली टू दोज जो ज़कात डिज़र्व करते हैं, आप हमारा ये प्रॉपर डिपार्टमेंट है इस चीज़ का, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसमें मेरा भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसको आप फॉरवर्ड करेंगे, वो इस चीज़ पे हमें डिसीजन देगा कि ये बंदा वाकई डिजर्विंग है तो हम उसको इंक्लूड करते हैं. इसके बाद बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा. इसके अलावा लोग मानते नहीं हैं कि ये गारंटी क्या दे रहे हैं आप इसके बाद कि हम वाकई मनी मेकिंग और इनकम कर सकेंगे. देखें, इस बात को शायद अगर मैंने एक्सप्लेन किया ना तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा. हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम चार साल पढ़ते हैं ग्रेजुएट होने के लिए, हम वहाँ पे लाखों रुपये फ़ी देते हैं, बहुत पेन लेते हैं, सुबह आठ बजे जाते हैं, तीन चार बजे दो बजे आते हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट इतनी होती है, एनर्जी की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, फाइनेंस की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या हम उनसे गारंटी लेते हैं? सही कह रहे हैं बात. अगर नहीं लेते तो भाई, मैं रियलिस्टिक बंदा हूँ, मुझे अनरियलिस्टिक बातें ना करना आती हैं और ना मैं उनका प्रॉमिस करता हूँ. किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि आप वाकई कमाने के काबिल हो जाएंगे. अगर कमाएंगे, काबिल हो जाएंगे, ये गारंटी है इंशाल्लाह. लेकिन अगर उस सूरत में कि अगर आपने काम किया जैसे हम कह रहे हैं, और बेस्ड ऑन आवर, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसिस, हर वो बंदा जिसने इस फील्ड के साथ जो कुछ हमने बताया, जो कुछ हमने उसको समझाया, वो करता रहा, हर वो बंदा कमाने के काबिल हो गया. सिर्फ वो बंदे जो किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको कहीं से अर्निंग आ रही होती है, जो डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, सिर्फ वो लोग रह जाते हैं. लर्निंग एक्सपीरियंस आपका ऐसा होगा कि आपको इंशाल्लाह ऐसा एक्सपीरियंस आपका ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा. ये मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, लेकिन आई मीन इट. लेकिन अर्निंग हम किसी किस्म का कोई प्रॉमिस नहीं करते. बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं. हाँ, इसके साथ में एक और बात, सॉरी इंटरप्ट किया आपको. अब अगर एक बंदा मैं ज्वाइन करता है और वो सोचता है कि मुझे शायद ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है, या टीचर इस कैपेबल नहीं है कि वो हमें पढ़ाए, और एनी वन कैन थिंक, हर किसी को हक हासिल है इस बात का, तो वो पांच क्लासेस के बाद, पांच क्लासेस तक 100% इसके बाद का क्वेश्चन मेरा वही था जिसका आप आंसर दे रहे हैं अभी, 100% रिफंड ले सकता है. हम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों ले रहे हो, पांच क्लासेस तक 100% रिफंड वी प्रॉमिस. रिफंड का आपने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं या आपको लगा कि मुझे बंदा गलत मिल गया है, गलत कोर्स को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो आप जो है वो अपने आप को फिर विड्रॉ कर सकते हैं विद रिफंड अकॉर्डिंग टू दीज टर्म एंड कंडीशन जो इन्होंने आपको एक्सप्लेन. और कोई टर्म कंडीशन नहीं है रिफंड की, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है. इवन आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि भाई क्यों ले रहे हो पैसे वापस, ले लें. अच्छा, लोगों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग फ्री भी होते हैं, तो उनके पास, उनको ये जानना है कि क्या ड्यूरेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है स्पोर्ट्स का, उसके बारे में बताएं आप. टाइम पीरियड हमारा बैच टू बैच मोस्टली वेरी करता है, क्योंकि हमारा जो मेन प्राइम पर्पज़ है कि हमने अपने
जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सक्सेसफुल करना है. सो मैंने जैसे आपको बताया कि मोर देन वन डेकेड का एक्सपीरियंस है, तो उस सूरत हाल में बहुत सारी चीज़ें हम ऑन द स्पॉट लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और उन्हीं के बदले में उन्हीं के जवाब में चीज़ें अपडेट कर रही होती हैं. सो जो ड्यूरेशन है वो 3 to 6 months के दरमियान हो सकती है. सही है. मतलब हमारा जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइम जो पर्पज़ है वो है लाइफ पे इम्पैक्ट डालना, चेंज करना. सो उस सूरत हाल में ड्यूरेशन की जो अपडेशन है वो हो सकती है 3 to 6 months के दरमियान ड्यूरेशन हो सकती है. और इसकी पॉसिबिलिटीज़ कोई एक दो अगर आप बताना चाहें तो उसके अंदर कि क्यों ये ड्यूरेशन, क्योंकि अब अपने डबल का डिफरेंस उसमें है. उसमें ये होता है, नॉर्मली ये होता है, चलिए मैं एक दो आपको केस स्टडीज़ बता देता हूँ. नॉर्मली ये होता है कि कुछ मेजॉरिटी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकली हम चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, थ्योरी बहुत ना होने के बराबर होती, कम होती है. जो चीज़ वर्क करती है सिर्फ वही सिखाते हैं. अब ओवर सेचूरेट हो जाती है आवाम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट हो गया, तो फिर हम थोड़ा पॉज ले लेते, उन्हें टाइम दे देते हैं, उनके साथ बैठ के चीज़ों को सॉल्व करते हैं, चीज़ों को सोल्यूशन बताते हैं, उनके साथ बैठ के सब चीज़ें मैनेज करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं. ताकि हम सबको कोशिश ये होती है कि साथ लेकर चल सकें जितना पॉसिबल हो सकता है. सही है. तो इस वजह से ड्यूरेशन पर इफेक्ट पड़ता है. ठीक हो गया. अच्छा, ये तो आपने बता दी ड्यूरेशन की बात. अब जो कि लोग ट्रेडिशनल टीचिंग वे को समझते हैं कि जी कोई आएगा हमारे सामने बैठेगा, हमें 1-to-1 टीचिंग देगा, या एक वर्चुअल क्लासरूम होगा, इसके बारे में आप बताएं कि आप कैसे जो है वो कम्युनिकेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ. अच्छा, इसमें ऑनलाइन होता है सारा कुछ. हमारा अपना सबसे बड़ी आपको बात बता दूं, वी हैव आवर ओन LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. हमारी अपनी एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुकी है. जैसे मैंने आपको बताया कि थिंग्स आर टोटली चेंज. LMS होगा, उसमें आपका अकाउंट होगा, वहीं पे आप क्विज असाइनमेंट्स जितना भी जो कुछ रिक्वायर हो सकता है वहीं पे कर रहे होंगे. इसके बाद सबसे बड़ी बात, आपको मोस्टली जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगी, ताकि आप मिस कर दिए आपने लेक्चर वो आप दोबारा देख सकें. मोस्टली का मतलब है कि 100% नहीं होगी ड्यू टू वेरियस रीजन, लेकिन 70-80% ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगी आपके पास, ताकि आप उसको रिप्ले देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. इसके बाद सबसे जो मेन हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारी सपोर्ट टीम. हमारी तकरीबन कमोबेश 10 लोगों पर मुश्तमिल सपोर्ट टीम होती है, और वो सारे के सारे वो होते हैं जो SEBT के समझ लेके ग्रेजुएट हैं, और यहीं से वो मिलियनेयर बने. हम सिर्फ उनको ऐड करते हैं. अच्छा. उसमें कोई एक्सटर्नल बंदा नहीं होता. वही लोग जो इस फैमिली का पार्ट थे, SEBT में एज अ स्टूडेंट आए थे, सक्सेसफुल हुए, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इन सपोर्ट टीम, और वो आपको राउंड द क्लॉक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है. सो ये शायद, अच्छा इसमें मैं एक और बात ऐड करता जाऊँ, एक बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड. ये मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, दोबारा सोच लें, आई मीन इट, कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह. आप किसी भी, कोई भी आप कंपेयर करना चाहता है, कोई आके यहाँ खड़े होकर हमसे बात करना चाहता है, रिजल्ट्स कंपेयर करना चाहता है कि यार रेडी कर. और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही है कि ये सक्सेस स्टोरी आपकी वाकई बनी हुई है या वाकई सक्सेस स्टोरी है भी सही है? इतना बड़ा क्लेम कर चुका हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं हमारे, और हम जितना एक शायद एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल भी ना हो, रियलिस्टिक हो अगर सोचे तो पॉसिबल भी ना हो, उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स आते हैं. क्योंकि इतने कम पीरियड में, 3 to 6 months में, एक ऑर्डिनरी बंदे को जिसका शायद बैकग्राउंड भी ये नहीं होता मोस्टली, उसको हम एक ऐसे रास्ते पर लगा देते हैं कि वो या तो ड्यूरिंग दी सेशन, कुछ लोग होते हैं चंद अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, और मोस्टली ये होते हैं कि जो 6 months, 9 months, 1 year बाद, 1.5 years बाद, 2 years में उस काबिल हो जाते हैं. मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आप लोगों के सामने मौजूद हैं जो इस वक्त मिलियंस में कमा रहे हैं, और वो SEBT की ही प्रोडक्शन है. अच्छा, बेस्ट पार्ट भी मुझे यही लगता है आपकी ट्रेनिंग का, कि आपके SEBT के और स्टूडेंट्स ही आपके साथ जो है वो कोऑर्डिनेटेड हैं, और आपकी सारा जो है वो एज अ फैमिली आप लेके चल रहे हैं. Exactly. और दूसरी बड़ी बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि आप लोग जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे ये कंपेयर करके भी आपको बता रहे थे, आपकी ट्रेडिशनल
जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली है और कंपैरेटिव टू रिजल्ट्स ऑफ एससीबीटी, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें नज़र आती है। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि आखिर हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे अगर हम आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं? उसकी फ़ीस तो आपके पास होगी, उसके अलावा क्या फाइनेंस हमें रिक्वायर्ड होगा? ओके, इसके अलावा, फ़ी के अलावा आप कह रहे हैं क्या? उसके लिए आपको डेफिनेटली डोमेन और होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, दैट हार्डली कॉस्ट 2,000 rupees पर एनम। और इसके अलावा अगर आप खुद राइटिंग नहीं जानते तो आपको कंटेंट राइट करवाना पड़ेगा। सही है। सो ये दो मेन खर्चे, इसके अलावा टूल्स आपको रिक्वायर हो सकते हैं, वो आपको कॉस्ट कर सकते हैं तकरीबन 500 to 1,000 rupees पर मंथ अराउंड। तो ये दो तीन मेन चीज़ें हैं जहाँ पे आपका खर्चा हो सकता है। अब फाइनली अब बात आती है कि आखिर आप क्या चार्ज करेंगे इस कोर्स का, उसके बारे में बताइएगा। फ़ी जो अपडेटेड है वो हमारी पोस्ट के अंदर मौजूद है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कोई नहीं है और डिस्काउंट भी हम ऑफ़र नहीं करते, क्योंकि हमारी जो कंटेंट की वैल्यू है उसके मुकाबले में हम शायद 5% भी चार्ज नहीं करते। एंड आई मीन इट, दिस इज़ पब्लिक वीडियो, यू कैन सेव दिस। और जब आप ग्रेजुएट होके निकलेंगे इंशाल्लाह तो आपको खुद एहसास होगा कि ये जितनी फ़ी थी, जितना कंटेंट डिलीवर हुआ, जितना नॉलेज डिलीवर हुआ, जितना एक्सपीरियंस डिलीवर हुआ और जितनी आपको सपोर्ट दी गई, उसके मुकाबले में ये फ़ी बहुत टाइनी सी थी। अच्छा, इस वीडियो का ये बताइएगा कि इसमें आप क्या ट्रेनिंग देंगे, इस कोर्स का आउटलाइन और कंटेंट जो है वो क्या होगा? कंटेंट आउटलाइन ज़ीरो फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, मोस्ट एडवांस एनीवन कैन थिंक ऑफ, वहाँ तक हमारी ट्रेनिंग होती है। और आप एरिया बताएं इसके प्लेटफॉर्म? एरियाज में बता रहा हूँ, SEO कंप्लीट होगी, जो कुछ आप सोच सकते हैं, ब्लॉगिंग उसके अंदर, इवेंट ब्लॉगिंग आती है, नीच ब्लॉगिंग आती है, लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग आती है, उसके अंदर अफिलियट मार्केटिंग, अमेजोन की, CPA की एंड एवरीथिंग। इसके अलावा लाइव केस स्टडी होती है हमारी, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। जो चीज़ केस स्टडी में आ जाती है वो इतनी अब्यूज़ होती है उसके बाद कि वो जितना नुकसान होता है हमारा, बिल्कुल उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल रखना चाहते हैं तो केस स्टडीज़ होती हैं, नॉट 1, 2, 3 बल्कि मल्टीपल केस स्टडीज़ होती हैं, और छोटी मोटी केस स्टडीज़ नहीं होती, मिलियंस ऑफ पेज व्यूज़ वाली केस स्टडीज़ होती हैं। सो केस स्टडीज़ होती हैं, उसके अलावा स्ट्रेटजीज़, पर्सनल स्ट्रेटजीज जो हमारे लिए वर्क करती हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा मतलब मैं अगर फैंसी टर्म्स के पीछे जाऊँगा तो मुझे शायद मेरे पास हज़ारों टर्म्स हों, लेकिन जो कुछ रिक्वायर है प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वाइज आपको, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। फैंसी टर्म्स के पीछे भागना, जैसे मैंने बताया कि मैं रियलिस्टिक बंदा हूँ और मुझे रियलिस्टिक चीज़ें ही पसंद आती हैं। सो इसके अंदर जितना कुछ है, नीच रिसर्च चले जाएँ, कंटेंट मार्केटिंग चले जाएँ, कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, स्ट्रेटजीज, इसके अंदर नांडला स्ट्रेटजीज मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, एल्गोरिथमिक प्रूफ स्ट्रेटजी का नाम दिया हुआ है, अभी तक वर्क कर रही है, आप रिव्यूज देख सकते हैं, ले सकते हैं लोगों से जो पिछले स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्ट रैंक स्ट्रेटजी, रैंक हैक स्ट्रेटजी। सो ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, इनमें से लाइक मोस्टली जो एक्सक्लूसिव हैं, जो मैंने ही मतलब अपने लिए वर्क की है, वो आप लोगों से मैं फाइनली शेयर करता हूँ ये चीज़ें आप जो अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैं, आपका स्टूडेंट आपको किसी और लोकेशन से देख रहा है, पाकिस्तान के अलावा कहीं से बिलोंग करता है, क्या वो भी, उसके लिए भी तो पॉसिबिलिटी है आपको ज्वाइन के लिए? डेफिनेटली एनी वन कैन ज्वाइन फ्राम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। और बेस्ट पार्ट बताऊँ आप लोगों को, बीइंग अ पाकिस्तानी आपको प्राउड फील होगा कि हमने लास्ट बैच में इंडियन भी ऐड किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, जस्ट एज अ गुड जेस्चर, जिनको हमने ट्रेन किया लाइक अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सक्सेस स्टोरीज बहुत जल्दी बहुत अच्छे वाली आएंगी इंशाल्लाह। सो वी डोंट बिलीव इन बॉर्डर्स स्पेशली इन आवर ट्रेनिंग। सो इट डजेंट मैटर आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, आप कौन से एरिया से ताल्लुक रखते हैं। बे मुंगफली का ज़बरदस्त
अच्छा, आपने सारी चीज़ें बहुत डीपली एक्सप्लेन भी की हैं और सारे क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में आ सकते थे वो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो इन्होंने कोर्स आउटलाइन जो है वो अटैच की हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ओवरलुक कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल।